मैंने प्रश्न किया है महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जल स्रोत पंडा नदी, डोमनी नदी, धोबनी नदी, रजधवा नदी, बांकी नदी, धमनी नदी, रौद्रा नाला, रामसागर बांध, कवलदाग नदी, यूरिया नदी, लोलकी नदी जैसे कई नदियां आज अतिक्रमण हो रही है महोदय। चूंकि ये अल्पसूचित में प्रश्न है महोदय, और अल्पसूचित का प्रश्न जो है ये पूरे सदन का प्रॉपर्टी होता है। मुझे लगता है कि इस तरह से हर विधानसभा में पूरे झारखंड में नदियों का अतिक्रमण हो रहा है, और आने वाला समय में जो हमारा जल स्रोत है वो अगर समाप्त हो जाएगा महोदय, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कहां जा रहा है, हम लोग इससे वाकिफ है। जल स्रोत को बचाना ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा और चाहूंगा कि ये केवल मेरे विधानसभा का इशू नहीं है, ये झारखंड प्रदेश का इशू है। प्रत्येक जिला में एक ऐसा कमेटी बने जो जल स्रोतों के संरक्षण पर काम करे, अतिक्रमण पर काम करे। तो सरकार केवल यही जवाब दे कि क्या वह जिला स्तर पर ऐसा कमेटी बनाने का विचार करती है या नहीं करती है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भानु जी ने प्रश्न किया है कि इनके क्षेत्र में नदियों पर अतिक्रमण हो रहा है, और कमोवेश पूरे राज्य की स्थिति है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसके लिए जहां तक अतिक्रमण मुक्त कर कराने की बात है, तो जिले के उपायुक्त ही इसके लिए सक्षम हैं, और जिले के उपायुक्त से समन्वय बनाकर, और जो प्रश्न जिन नदियों के बारे जिक्र किया है और नालों के बारे जिक्र किया है भानु जी ने, उन्हें अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि पूरे राज्य में भी जहां जहां अतिक्रमण है नदियों का, उसके लिए उपायुक्त ही सक्षम पदाधिकारी, और उपायुक्त के माध्यम से ही सभी जहां अतिक्रमण है उनको मुक्त कराया जा सकता है। ठीक है भानु जी, और कुछ पूछना है महोदय? इसका यह कितना संवेदनशील विषय है, आप भी समझ रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी समझ रहे हैं, सरकार भी और सभी सदस्य भी समझ रहे, अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए लोग भी समझ रहे हैं महोदय। ये विषय ऐसा नहीं है, उपायुक्त 108 कमिटी का चेयरमैन होता है, पूरे जिले को देखना होता है। वैसी परिस्थिति में क्या वो सब नदी नाला को जाकर के अतिक्रमण मुक्त करा सकता है महोदय? आप रांची के ही विषय को उठा लीजिए या किसी एक जिला के विषय को, महोदय यह संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा ऐसा नीति बने, ऐसा निर्देश जाए, ऐसी अधिसूचना या संकल्प जाए कि प्रत्येक जिला में जल स्रोत का संरक्षण हो। मैं बस यही चाह रहा हूं, और ये सबके लिए है महोदय, हमारे भविष्य के लिए है ये। तो इस पर तो सरकार को गंभीर होना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ, हम कमेटी बना देंगे, सारे जिला में एक IAS ऑफिसर के देखरेख में कमेटी बन जाए प्रदेश स्तर पर, और फिर जिला स्तर में एक उपायुक्त के देखरेख में कमेटी बन जाए। इसमें सरकार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है महोदय? ये सबके विषय का, आने वाले भविष्य के विषय का सवाल है महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने इसी बात को कहा था। देखो महोदय, के उपायुक्त सक्षम अधिकारी होते हैं, और उपायुक्त कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। उपायुक्त के अधीन सारे विभाग होते हैं जिले के, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी भी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी होते हैं, अंचल अधिकारी भी होते हैं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भी होते हैं। तो ये सारे उपायुक्त जाकर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। उपायुक्त निर्देशित करेंगे, और संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जहां प्रखंड के CO BDO, जहां ग्रामीण क्षेत्र की नदियां हैं, नाले हैं, वहां CO BDO और अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी, और जहां शहरी क्षेत्र हैं वहां नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं या CEO हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। यह मैं आश्वस्त करता हूं कि ये कमेटी वहां पर जिले के स्तर पर गढ़वा के उपायुक्त से समन्वय बनाकर, और हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। अगर ऐसा होता महोदय, तो ये प्रश्न यहाँ क्यों आता महोदय? पदाधिकारी तो है, हर जगह पदाधिकारी है, हर जगह नोडल एजेंसियां है। आप भानु जी, आप विशेष समिति का बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक इस विषय के लिए पूरे जिला में और प्रदेश स्तर पर एक ऐसा कमेटी बने। मंत्री महोदय को सारा मुख्यमंत्री का जितना भी भाग है महोदय, वो मुख्यमंत्री, ये माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इनको कह दिया है किसी का जवाब स्पष्ट नहीं देना है, आपको घुमाते रहना है जलेबी की तरह, घुमाते रहना। अरे भाई, ये विषय पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये हमारे भविष्य का विषय है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना बड़ा गंभीर विषय आ रहा है, इसको आप इस नजर से देख रहे हैं, भानु जी ने लाया है,
भानु जी की जगह पर कल दूसरा कोई आएगा वो लाएगा महोदय, आपके जगह पर कल दूसरी सरकार आएगी वो सुनेगी महोदय। माननीय मंत्री आप बना दीजिए इसको एक कमेटी अध्यक्ष महोदय, आप आपके देखरेख से ही बना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भानु जी के प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है और बहुत ही कहे जाए तो बहुत ही पारदर्शी रूप से दिया गया है। अब ये घुमाना चाह रहे हैं बातों को तो इसकी अलग बात है, और कल को इनके क्षेत्र में ही अगर अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पदाधिकारी जाते हैं तो सबसे पहला पैरवी इन्हीं का आएगा कि आप छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, क्योंकि ग्रामीण आएंगे इनके पास। ये काम पूरे राज्य में स्थिति है और उपायुक्त ही सक्षम पदाधिकारी होते हैं इसके लिए, उपायुक्त के निर्देश पर ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, चाहे किसी तरह का नदियों का अतिक्रमण हो, सड़कों का अतिक्रमण हो या किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उपायुक्त महोदय उपायुक्त के निर्देश पर ही होता है और उसके लिए सक्षम पदाधिकारी जाते हैं और अतिक्रमण मुक्त कराते हैं। ऐसा निरंतर होता रहा है और हो रहा है। अभी भी हमारे गढ़वा में सरस्वती नदी है, उसका अतिक्रमण हटाया गया है, वो अतिक्रमण मुक्त हुआ है, वहां सरस्वती नदी में बहुत सारा अतिक्रमण हटाया गया। तो ये तो जो सक्षम जो अधिकारी है जिनको जो वहाँ काम है उसके लिए अलग से कौन सी कमेटी बननी चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा एक बार देख लीजिए भानु जी, एक बार देख लीजिए कौन सी कमेटी बननी चाहिए, कुछ दिन देख लीजिए, समझ से परे क्या बोलना चाहता है। विषय भानु प्रताप शाही जी ने आदरणीय ने उठाया महोदय, ये इनका इंडिविजुअल नहीं है, नहीं वो तो इंडिविजुअल मान भी नहीं रहा है महोदय। नहीं नहीं जी, आप कंफ्यूज कहां से हुए, इंडिविजुअल सार्वजनिक से अगर एक बार नियमन हो गया, आपने नियमन दिया कि आप इसको अपने स्तर से कमिटी बना लीजिए, आपको भी महोदय नहीं मान रहा है, नहीं है वो महोदय आसान का अपमान है, आप बताओ हम नहीं नहीं अपमान होकर कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, माननीय मंत्री जी सक्षम है, नियमन दे दिया, आप सुनिए माननीय मंत्री जी सक्षम है, भानु जी प्रश्न करता है जवाब उन्होंने दिए, और अगर इस पर नहीं होता है तो फिर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, विषय ये नहीं है, विषय कि आपने नियमन दिया है, ठीक है अध्यक्ष आसन ने नियमन दिया और उसको भी सरकार नहीं मान रही, हमारा आपको बता दें उनका मंत्री जी का सब सब कहना है कि जब जिला में इन तमाम विषयों को देखने के लिए हमारा अधिकारी अधिकृत है, उनके अधीन में कई पदाधिकारी हैं, तो हम लोग कुछ दिन तक देख सकते हैं, ऐसा नहीं, फिर अगर नहीं होता है तो फिर सवाल आएगा। हाँ छोड़िए भानु जी को बोल, भानु जी को बोलिए, भानु जी को बोल, ठीक ठीक अच्छा बोलिए भानु जी। महोदय आपने बड़े ही स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी को निर्देशित करने का काम किया कि आप अपने देख रेख में क्या प्रदेश में ऐसा हो सकता है, आपने एक तरह से नियमन दे दिया, आपने विषय को कह दिया उनको, उनको स्वीकार करना चाहिए, हाँ अध्यक्ष महोदय हम दिखवा लेते हैं, तो इस पर इतना बड़ा नहीं स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी भी देख ले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख ले, मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के जल स्रोत का संरक्षण हो महोदय, इसलिए मैंने इस विषय को लाया था, ये किसी एक विषय नहीं है।